गुड मॉर्निंग। आज हम समाजीकरण की प्रक्रिया की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए समाजीकरण से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। हमने चर्चा की थी कि समाजीकरण एक प्रशिक्षण की प्रक्रिया है, सीखने की एक प्रक्रिया है, और वह सीखने की प्रक्रिया जो एक मनुष्य को सामाजिक भूमिका संपन्न करने के योग्य बनाता है, वैसी प्रक्रिया हमारी समाजीकरण कहलाती है। फिर हमने समाजीकरण के विभिन्न सोपानों की चर्चा की कि मनुष्य का समाजीकरण किन किन चरणों से होकर होता है। आज हम उसी परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं समाजीकरण से संबंधित सिद्धांत। क्योंकि समाजीकरण कैसे होता है, बालक के मस्तिष्क में समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या प्रेरणाएं कार्य करती हैं, उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अनेक समाजशास्त्रियों व समाज वैज्ञानिकों ने समाजीकरण के कुछ प्रमुख सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिनमें जीएच मीड, फ्राइड व चार्ल्स कूले के सिद्धांत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिनके माध्यम से हम ये जानेंगे कि समाजीकरण एक मनुष्य में किस तरह से होता है। और प्रारंभिक रूप से जब बालक समाज के संपर्क में आता है तो वो किस तरह से समाज के व्यवहारों को सीखने का प्रयास करता है। इन सभी विद्वानों में एक चीज़ कॉमन थी कि उन्होंने बताया कि समाजीकरण के सिद्धांत को बालक में स्वजागरण के आधार पर ही हम समझ सकते हैं, यानी डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ के आधार पर ही हम समाजीकरण की जो प्रक्रिया है, समाजीकरण जो मनुष्य में होता है, उसको हम समझ सकते हैं। यहाँ स्वय का तात्पर्य अपने स्वयं के बोध से है, यानी स्वयं के अस्तित्व से है। जब वह अपने आप को पहचानने लग जाता है स्वयं के संदर्भ में और दूसरों की दृष्टि में, तो वही उसके स्वयं का विकास करता है। जब वह अपने आप को पहचानने लगता है कि मैं क्या हूँ और दूसरे उस चीज़ को उसी दृष्टि से देखते हैं, तो वह उसका स्वयं कहलाता है। प्रोफेसर डेविस ने स्वयं को समझाते हुए कहा है कि स्वयं ही एक ऐसी चीज़ है, सेल्फ, जिसके माध्यम से समाजीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। यानी समाजीकरण की आत्मा है सेल्फ, स्वयं, क्योंकि व्यक्ति का स्वयं ज्ञान के बाद ही अपने व्यक्तित्व का विकास होता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब एक सामान्य बालक केवल अस्थि मास का ढांचा होता है तो वह अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आता है तो उसका स्वयं या सेल्फ का विकास होता है। किंतु स्वयं को, यानी उसके व्यक्तित्व का अंग होता है, आत्मा होता है, इसलिए उसको स्वयं को व्यक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता। स्वयं एक मनोवैज्ञानिक अस्तित्व का बोध कराता है, न कि भौतिक, यानी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हमें कुछ दिखाई देता है या जिसको इस तरह से हम स्पर्श कर सकते हैं, जान सकते हैं, बल्कि स्वयं यानी स्वयं का विकास या स्वयं आत्मज्ञान, आत्मबोध एक मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है। स्वयं का अर्थ यहाँ मूल्यों के तटस्थ होकर समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ स्वयं का मतलब ईगो से नहीं होता, ईगो अलग चीज़ है, बल्कि स्वयं स्वयं के बारे में बोध करने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ही हम समाज में अंतःक्रिया संपन्न कर पाते हैं। तो इस स्वयं के आधार पर ही अलग अलग समाजशास्त्रियों ने समाजीकरण के सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं जीएच मीड की। जीएच मीड ने अपने सिद्धांत को बाल मनोविज्ञान के आधार पर समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि स्वयं, जैसा कि मैंने पूर्व में भी चर्चा की, स्वयं विषय व वस्तु दोनों ही है, यानी स्वयं स्वयं के बारे में बोध है, साथ ही दूसरों के संदर्भ में भी स्वयं का विकास होता है, यानी स्वयं
सेल्फ अपने आप में सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। इसका मतलब यह होगा स्वयं अपने प्रति तो जागरूक होता ही है, साथ ही दूसरों के व्यवहार को भी वो अपने ऊपर ढाल लेता है। अर्थात जब बालक स्वयं वस्तु बनकर दूसरे के कार्य की कल्पना करे और उस कल्पना से दूसरों की दृष्टि से अपने को देखे, तो ये जो देखने की समझने की जो परख है वही उसका स्वयं का विकास है और यहीं से उसके समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जैसा कि मैंने कहा कि वह स्वयं कल्पना करके दूसरों की दृष्टि से अपने आप को समझने का प्रयास करता है, इसका मतलब यह है कि क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि उसके दूसरे लोग उसके जो कार्य हैं उससे संतुष्ट हैं या नहीं है, क्योंकि उसकी संतुष्टि भी तभी संभव है और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी तभी होगी जब वो दूसरों के अनुरूप अपने व्यवहार को कर पाएगा। इसको मीड ने समाज में अंतःक्रिया प्रतीकात्मक संचार के द्वारा समझाने का प्रयास किया, यानी वह भाषा को सीखना प्रारंभ करता है और स्वयं से ही प्रश्न उत्तर करता है ताकि वह दूसरों के अनुरूप अपने व्यवहार को कर सके। और ये परिस्थिति में वो क्या लगभग 2 वर्ष की अवस्था तक वह माँ भाई बहनों की भूमिकाओं के करने लगता है। सामान्यतः इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो अपने माँ बाप भाई बहनों का रोल मॉडल बनकर उसको करने का प्रयास करते हैं कि एक बच्चा मम्मी बन जाएगा, एक बच्चा पापा बन जाएगा, या अन्य जो संबंध हैं उसके आसपास सामाजिक परिवेश में उनकी भूमिकाओं को करने का प्रयास करता है। तो मीड यही कहना चाहते हैं कि हमारा स्वयं का विकास हम दूसरों के को संतुष्ट करके करते हैं कि किस तरह से हम उनको खुश कर सकते हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं और इनको वो अपने व्यवहार में ढालने का प्रयास करते हैं। और इसके लिए उन्होंने प्रतीकात्मक संचार को महत्वपूर्ण माना है। इसी चीज़ को और अच्छे तरीके से वो इस तरह से समझाते हैं कि जब किसी समाज में बालक एक परिस्थिति की भूमिका की तरह सभी परिस्थितियों के कार्य को समझने लगता है तो वह परिस्थिति और कार्य उसके मस्तिष्क में स्थायी बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वह उसको पता है कि किस पद के हिसाब से किस परिस्थिति के हिसाब से किस तरह की भूमिकाओं का निर्वाह करना है, यानी विशिष्ट परिस्थिति आएगी तो विशिष्ट भूमिका निभाएगा। तो इस तरह से इसी प्रत्यय को उन्होंने सामान्यकृत अन्य के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। इसके साथ ही जो मीड का सिद्धांत है उसमें 2 चीज़ें और हैं, वह मैं और मुझे, यानी आई और मी में जो विकास होता है उसके द्वारा हमारे व्यक्ति का समाजीकरण होता है। यहाँ आई का मतलब मैं का मतलब दूसरों के व्यवहार का प्रत्युत्तर है और मी का मतलब मेरे द्वारा व्यवहार करने पर दूसरों की क्या प्रतिक्रिया है, यानी जब मैं कोई अपना व्यवहार करता हूँ या करती हूँ तो दूसरों के अनुसार जो प्रत्युत्तर मिलता है वो आपका आई होता है, यानी मैं होता है जिसके द्वारा हम अपने आप को विकसित करते हैं। और मी का मतलब ये होता है कि दूसरे जो व्यवहार कर रहे हैं, दूसरों की जो प्रतिक्रिया है उसके हिसाब से मैं अपना व्यवहार प्रस्तुत करें, यानी मैं और मुझे एक ही चीज़ के 2 पहलू हैं जिसके द्वारा आई और मी एक ही चीज़ के 2 पहलू हैं जिसके द्वारा स्वयं का निर्माण होता है और यह स्वयं के निर्माण से ही हमारा समाजीकरण होता जाता है। मीड के सिद्धांत को सामान्यकृत अन्य का सिद्धांत भी कहते हैं क्योंकि इसमें पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा जो विचारधारा है, पूरा जो आधार है वो दूसरों के व्यवहार के द्वारा, प्रत्युत्तर के द्वारा, दूसरों की प्रतिक्रिया द्वारा ही विकसित हो रहा है। यानी मैं और आई और मी दोनों का विकास होता है जिससे हमारे स्वयं का निर्माण होता है वो दूसरों के व्यवहार से निर्मित होता है। इसीलिए इस सिद्धांत को मीड ने सामान्यकृत अन्य की संज्ञा दी है, यानी
किसी व्यक्ति के स्वयं के बारे में वह धारणा है जो दूसरे उसके बारे में रखते हैं। यानी हम जब दूसरे लोग हमसे जो अपेक्षाएं करते हैं उस अपेक्षाओं के अनुरूप हम अपना व्यवहार करते हैं और उसी के द्वारा हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है और हम उन्हीं चीज़ों का स्वयं में आंतरिकरण करते हैं। इसीलिए मीड ने इसे सामान्यकृत अन्य कहा। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने आप के व्यवहार को दूसरा व्यक्ति बनकर देखता है, दूसरे व्यक्तियों की भूमिकाओं को ग्रहण करके दूसरों की अपेक्षाओं और विचारों को जानता है, फिर उसकी तुलना करके वह सामान्यकृत अन्य का विकास करता है। यानी वो भूमिका ग्रहण और भूमिका अनुसार व्यवहार के माध्यम से संपन्न, यानी वो सामाजिक परिस्थिति के हिसाब से भूमिकाओं को ग्रहण करता है और उस भूमिकाओं के अनुसार वह अपने व्यवहार को संपन्न करता है। तो इसीलिए इसे सामान्यकृत अन्य के सिद्धांत की संज्ञा देते हैं। मीड ने स्पष्ट रूप से उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयास किया है इस चीज़ को कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, घर घर खेलते हैं और अपनी मम्मी पापा का रोल निभाते हैं, तो इस तरह से वह उस भूमिका के अनुसार व्यवहार करते हैं जो उसको भूमिका अदा करनी है, यानी जो उसको परिस्थिति मिली है उस हिसाब से अपनी भूमिकाओं को पालन करने का प्रयास करते हैं। हमारा व्यवहार भी इस तरह से ही विकसित होता है, हमारे स्वयं का विकास भी इस तरह से ही होता है। फिर मीड ने आगे चर्चा करते हुए कही कि जो भूमिकाएं हम सीखते हैं उसके भी तीन महत्वपूर्ण चरण होते हैं। पहला चरण तैयारी की अवस्था का होता है, जब बच्चा 1 से 3 वर्ष की आयु में होता है। इसमें बालक व्यस्क व्यवहार के अनुसार वास्तविक रूप से उन्हें समझे बिना ही करता है कि जैसे एक छोटी लड़की अपनी गुड़िया को सीने से लगाकर चूमना प्रारंभ कर देगी, यानी उसका बच्चे की जैसे उसको डांटेगी, चोट पहुंचाने का भी प्रयास करती है, तो ये उसका प्रारंभिक चरण होता है, सीखने का चरण। दूसरा चरण होता है खेल की अवस्था, जो 3 से 4 वर्ष की आयु की होती है। इसमें बच्चे व्यवहार को समझने लगता है, यानी उन भूमिकाओं को अनियमित होती हैं, अव्यवस्थित हो, किंतु वो परिस्थिति के अनुसार उनको थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास करता है और जल्दी जल्दी वह भूमिकाओं से एक भूमिका से निकल कर दूसरी भूमिकाओं में चला जाता है कि एक क्षण तो वो बालक पापा बन जाएगा, एक क्षण वह सिपाही बन जाएगा, एक क्षण वो दुकानदार बन जाएगा। तो ये इस तरह से उस समय उसका जो सीखने की प्रक्रिया है वो तीव्र गति होती है। तीसरा चरण होता है खेल की व्यवस्था, जो 4-5 साल की उम्र के बाद चलती है। इसमें भी भूमिका नियमित हो जाती है, सार्थक हो जाती है, यानी उसको स्पष्ट पता होता है कि किस भूमिका के लिए किस तरह का व्यवहार करना है, यानी भूमिकाओं का जो ज्ञान होता है वो उसका विकसित हो चुका होता है। जैसे एक फुटबॉल के खेल में खिलाड़ी को पता है कि उसकी भूमिका क्या है और दूसरों की भूमिकाएं क्या हैं और उसी की प्रतिक्रिया अनुसार वो अपना खेल शुरू करता है, तो इसका मतलब ये हो कि 3 चरणों के माध्यम से समाजीकरण संपन्न होता है, जिनके द्वारा हम दूसरों की भूमिका, मूल्य, विचारों के प्रति चेतना के द्वारा ही मीड ने सामान्यकृत अन्य के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में एक स्वरूप ग्रहण करता है उसको विकसित करने की का समझाने का प्रयास किया। सामान्यकृत अन्य की भूमिका को बार बार ग्रहण करने से व्यक्ति स्वयं के बारे में धारणा बना लेता है, उसे ज्ञान हो जाता है कि वह कैसा व्यक्ति है। और तभी होता है जबकि कोई व्यक्ति स्वयं की क्रियाओं को अन्य की प्रतिक्रिया के आधार पर समझने का प्रयास करता है, यानी सामान्यकृत अन्य के आधार पर जब समझने का प्रयास करता है तो वही व्यक्ति का समाजीकरण माना जाता है। सामान्यकृत अन्य की बात प्रोफेसर मीड ने की है, किंतु अन्य समाजशास्त्रियों ने इसे महत्वपूर्ण अन्य की अवधारणा के रूप में विकसित किया। महत्वपूर्ण अन्य वह व्यक्ति होता है जिसकी स्वीकृति हम अपने व्यवहार में चाहते हैं, जिसका निर्देशन हम स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से मीड ने स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया है कि
व्यक्ति अपना आत्मसम्मान इस आधार पर निर्धारित करता है, यानी अपने व्यवहार का विकास इस तरह से करता है कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे लोगों की अपने उसके व्यवहार के प्रति क्या प्रतिक्रिया है। और जब कोई व्यक्ति सामान्यकृत अन्य की दृष्टि से अपना सम्मान पाता है तो वह आत्मसम्मान का विकास होता है और व्यक्तित्व का निर्माण होता है जो सही दिशा में होता है। इसीलिए G.H. मीड का जो ये सिद्धांत है उसे सामान्यकृत अन्य की संज्ञा दी जाती है, यानी हमारा जो व्यवहार है दूसरों के व्यवहार के अनुसार संपन्न होता है, दूसरों की प्रतिक्रिया द्वारा संपन्न होता है, जिसे G.H. मीड ने आई और मी के रूप में, मैं और मुझ के रूप में समझाने का प्रयास किया है। अगला सिद्धांत है फ्राइड का सिद्धांत, जो हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।